गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिंस गोयल जीपी सर। जैसे कि अब आपको पता है कि हम अपनी पुरानी वीडियोस में क्लोज चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, क्लोज चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई सर क्लोज चैप्टर में मिरर इमेज और वाटर इमेज का टॉपिक बच गया। बेसिकली ये टॉपिक मैं मिरर इमेज वाटर इमेज के साथ ही करवाता हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट की डिमांड है उसको कंप्लीट करना जरूरी है। हम मिरर इमेज वाटर इमेज क्लोज का ओनली क्लोक का यहाँ पे ही डिस्कस करेंगे। देखो मिरर इमेज क्लोक में अगर मैं कोई भी टाइम दूं, पहले तो मिरर इमेज होती क्या है ये चीज डिस्कस करना जरूरी है। वाटर इमेज में बाद में बात करूंगा, पहले मिरर इमेज की बात करता हूं। मिरर इमेज होती क्या है? मिरर इमेज में आपको जो चीज लेफ्ट में है वो राइट में दिखेगी और जो चीज राइट में है वो लेफ्ट में दिखेगी। जो चीज लेफ्ट में है राइट में दिखेगी, राइट वाली लेफ्ट में दिखेगी। अप एंड डाउन नो चेंज, अप एंड डाउन में कोई चेंज नहीं होगा। जो चीज लेफ्ट में राइट में, जो चीज राइट में वो लेफ्ट में दिखेगी, एंड अप एंड डाउन में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, अगर मेरे को टाइम दे रखा है 4:25, ये घड़ी है 12:03:09:06, टाइम दे रखा है 4:25। इसके अगर आपको मिरर इमेज बनानी है तो मैंने जो बात बोली उस बात का ध्यान रखना, जो चीज लेफ्ट में है राइट में दिखेगी, राइट वाली लेफ्ट में दिखेगी, ऊपर और नीचे में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल 4:25, 4:05 उस साइड का मैं नहीं बना रहा क्योंकि इतनी जरूरत लोग बना लेते हैं, 7:08:10:11:12:12:4:5:10:11 टाइम हुआ है 4:25। तो मिनट एंड कितने पे होगा? 5 पे श्योर है। अब एंड कितने पे होगा? 4 से कुछ आगे। कितना आगे? 25 मिनट आगे। ये भी ध्यान रखना, ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, 25 मिनट आगे। ठीक है, अप एंड डाउन। अब मैंने बात कही थी मिरर इमेज में, अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूं, इसकी देखो मिरर इमेज यहां पे शीशा लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है भाई क्लॉक बनाए, ये 12 अपना, ये 6:39। ठीक है, या इसी क्वेश्चन में मैं कर सकता था। मिरर इमेज में मैंने कहा जो चीज लेफ्ट में राइट में दिखेगी, राइट में लेफ्ट में दिखेगी, और मूवमेंट उतना ही करना है जितना इस साइड है। इसको मैं सेंटर लाइन मान रहा हूं, देखो इसको मैं सेंटर लाइन मान रहा हूं, इसको बिल्कुल सेंटर लाइन माना। अब इधर से देखो ये मेरा राइट है, जो हमारी मिनट हैंड है वो कितना है? एक पॉइंट है ना, तो इसको लेफ्ट में एक पॉइंट बना दो, यानी कि मैं कह रहा हूं ये मिनट हैंड यहां पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, साथ पे आ जाएगा, बिल्कुल आएगा भाई साथ पे। भाई तुम्हें देखना है इधर एक है तो इधर भी एक आएगा। जितना इधर है मूवमेंट, जितनी हमारी मूवमेंट राइट में है उतनी ही मूवमेंट लेफ्ट में, सेम मूवमेंट देनी है। अगर मैं बात करूं अवर एंड, अवर एंड का कितना आगे था? इधर 1:15, तो अवर एंड कितना आ जाएगा? इतना। यानी कि मैं टाइम बोल सकता हूं, टाइम कितना होगा? 7:35, 7:35। अब कहोगे सर ये तो थोड़ा लार्ज टाइप हो गया, घड़ी बनाए क्वेश्चन सोल्व करें, बिल्कुल यार इसके लिए मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है। 11:60 में से गिवन टाइम माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा मिरर इमेज। ध्यान रखना 11:60 में से गिवन टाइम माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा मिरर इमेज। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन था 4:25, 11:60 में से गिवन टाइम, गिवन टाइम है 4:25, इसको माइनस करते हैं। यहां पे अपना मैथ लगाना स्टार्ट मत कर देना, मिनट का मिनट में करना है, आवर का आवर में माइनस करना है। 60 में से 25 माइनस करते हैं 35, 11 में से 4 माइनस करें 7, तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है अपने पास 7:35। क्लियर? आई थिंक सभी को क्लियर होगा। मिरर इमेज में आपको 11:60 में से गिवन टाइम माइनस करना है, आंसर आ जाएगा मिरर इमेज 11:60 में से गिवन टाइम, 11:60 में से गिवन टाइम माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा मिरर इमेज। या अगर आप डायग्राम से करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया, जितनी मूवमेंट राइट में है उतनी मूवमेंट लेफ्ट में दे दो, या जितनी मूवमेंट लेफ्ट में है उतनी मूवमेंट राइट में दे दो, आंसर बिल्कुल सही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं, 7 साल आप वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं करता हूं, दो तीन क्वेश्चन लिख लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है 11:25। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है 1:30। फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास है मिरर इमेज में ही 9:15। 27 सेकेंड। देखो बिल्कुल सही, अगर अपने को 11:60 में से हमारा क्वेश्चन था 11:25 की हमें मिरर इमेज निकालनी थी। फॉर्मूला है 11:60 में से गिवन टाइम माइनस करेंगे मिरर इमेज आएगी। तो 11:60 में से गिवन टाइम कितना है 11:25, माइनस कर रहा हूं यहां पे 35। 11 में से 11 गए 0, 0 का मतलब होता है 12:35 आंसर आएगा। बिल्कुल सही भाई, 12:35 आंसर आएगा। 1:30 वही टॉपिक वही चीज, 11:60 में से गिवन टाइम माइनस कर दो, 130 माइनस कर दो, आंसर आएगी मिरर इमेज। 60 में से 30 गए 30, 11 में से 1 गए 10, ये आंसर आएगा मिरर इमेज। ठीक है, एक ही बात है, अगर मैं कहता कि मैंने कोई क्वेश्चन रिमेज करके बोल देता कि मैंने किसी घड़ी को दर्पण में देखा, इफ आई हैव सीन एनी क्लॉक इन मिरर एंड दैट क्लॉक शोज 130 इन मिरर, वह घड़ी मिरर में 1:30 दिखा रही है। मिरर में घड़ी कितना टाइम दिखा रही है 1:30। अपने से पूछता रियल टाइम कितना है भाई, फॉर्मूला एक ही बात है यार, फॉर्मूला देखो ऊपर। अगर मैं मिरर इमेज को इधर ले आऊंगा और गिवन टाइम को उधर ले जाऊंगा, फॉर्मूला तो सेम रहा ना, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो याद रखना, आप 11:60 में से अगर मिरर जो इमेज बन रही है उसको माइनस कर दोगे तो रियल टाइम भी आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 10:30। अब कंसेप्ट याद रख लीजिए, 11:60 में से गिवन टाइम माइनस करते हो मिरर इमेज आती है, 11:60 में से मिरर इमेज माइनस करते हो तो गिवन टाइम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9:15:27। क्या हो गया सर, ये क्या अजीब चीज आ गई, 11:60 में से कहां से माइनस करें इसको। यार कोई दिक्कत नहीं, 11:60 को मैं 59 मिनट लिख दू, 60 मिनट को 59 मिनट को लिख सकते हैं। 1 मिनट कहां गई, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो। अगर सेकंड का क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन मेरे पास था 9:15:27, तो 1160 था, 1160 में से अपने को माइनस करना होता है। 1160 को अगर मैं ये लिख दूंगा, ये नया फॉर्मूला क्रिएट हो गया एक तरह से, 11:59:60 कोई नई चीज नहीं है, 60 मिनट को मैंने लिखा 59 मिनट और जो 1 मिनट थी उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब 11:59:60 में से माइनस करना है 9:15:27, देखो कितना आंसर आएगा। सिंपल मैथ लगाना है, इसका अलग मैथ लगेगा, इसका अलग मैथ। 10 में से 7, 3, 33, 4, 4 और 11 में से 9 गए तो 2, आंसर आएगा 244, 33 आंसर आएगा। तो मिरर इमेज आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा, 1160 में से गिवन टाइम माइनस करते हो मिरर इमेज और 1160 में से मिरर इमेज माइनस करते हो गिवन टाइम। इसको रब करके मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, मेन जो हमारा मेन फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। 1160 में से गिवन टाइम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा मिरर इमेज। अब बात करते हैं वाटर इमेज की, सिंपल कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट, दो तीन क्वेश्चन स्केल कर लेते हैं, मिरर इमेज वाटर इमेज। तो वाटर इमेज क्या है, वाटर इमेज के लिए मैं कह रहा हूं आपको माइनस करना है 530 में से, 530 में से गिवन टाइम माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा वाटर इमेज। आप कहोगे सर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे क्यों आगे, भाई शॉर्ट ट्रिक पे नहीं आते, बेसिक पे डिस्कस कर लेते हैं। वाटर इमेज में अप एंड डाउन चेंज होता है, लेफ्ट राइट सेम रहते हैं, अप चेंज हो जाता है डाउन में, डाउन चेंज हो जाता है अप में, यानी ऊपर वाली चीज नीचे बन जाती है, नीचे वाली चीज ऊपर बन जाती है, और लेफ्ट और राइट सेम रहेंगे, लेफ्ट एंड राइट सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई क्वेश्चन लेता हूं वाटर इमेज का, 10:25
भाई 10:25 ये मेरे पास घड़ी रही, 12, 3, 9, 6, 7, 8, 10, 11, 1, 2, 4, 5 10:25 तो मिनट एंड कुछ ना कुछ 10 से आगे होगा, ये 10 सॉरी आवर एंड 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 25 मिनट। ध्यान रखना जो चीज ऊपर है वो चीज नीचे, वो चीज नीचे ऊपर, जितनी मूवमेंट हो तो मूवमेंट आपको कंसेप्ट है बता दे, लेफ्ट राइट को चीज मत कर देना भाई। अगर ये मिनट वाली सुई मिनट एंड राइट में थी तो राइट में ही रहेगी, सीधे हाथ की तरफ थी सीधे हाथ की तरफ रहेगी, लेफ्ट में मत जाना। देखो कितने का फर्क है यहाँ पे, एक डिजिट का फर्क है, इसको ऊपर से लाएंगे एक डिजिट का फर्क करना है तो मिनट एंड कहां पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा जो नई पोजीशन होगी। मैंने कहा जो चीज नीचे है वो चीज ऊपर बनेगी, ऊपर वाली चीज नीचे बनेगी। आप मिनट एंड में देखो कितने का फर्क है, एक डिजिट का फर्क है तो ये ऊपर बन जाएगी, नीचे भी ऊपर बन जाएगी एक डिजिट, राइट का राइट में रहेगा लेफ्ट में मत ले जाना, बस ये बात ध्यान रखनी है। अब आवर एंड को देखो, यहां से कितनी मूवमेंट थी, एक और एक आधा डेढ़ थी, तो नीचे से 1.5 आवर एंड आ जाएगा, यहां पे टाइम हो जाएगा 7:05 ठीक है 7:05। अब आप कहोगे सर निकालो फॉर्मूले से, बिल्कुल निकालो फॉर्मूले से कोई दिक्कत नहीं है, 5:30 में से गिवन टाइम कितना है 10:25 माइनस करते हैं 5 में से 10 माइनस करा भाई, ये माइनस कर रहे हैं 5 में से 10 करा -5। अब मैंने आपको पिछली बार जो कंसेप्ट बताया था कि मैंने कहा था कभी भी घड़ी में नेगेटिव टाइम आ जाए, घड़ी में नेगेटिव टाइम आ जाए तो +12 कर दो टाइम सही हो जाएगा, -5 में 12 जोड़ते हैं तो आंसर आता है 7:05 और यही हमारा आंसर था। वीडियो को पॉज कर लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कई बार ये हमारा फॉर्मूला काम नहीं करता तो इस फॉर्मूले की जगह मैं यूज करता हूं 1790 में से गिवन टाइम माइनस करते हैं आंसर आता है वाटर इमेज। अब आप ये मत पूछना सर 1790 क्यों लिखा, यार ये शॉर्ट ट्रिक है, बेसिक से इनका कोई रिलेशन नहीं शॉर्ट ट्रिक्स का, डायरेक्ट यूज करी हुई है। हाँ लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक फेल नहीं होंगी, ये बात के लिए मैं आपको गारंटी देता हूं, अश्योर करता हूं। या तो 5:30 में से गिवन टाइम माइनस कर लीजिए वाटर इमेज, अगर ये फॉर्मूला कहीं पे फेल हो रहा है या बड़ा टाइम आ रहा है इससे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए 1790। मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं कुछ इसके और, क्वेश्चन है पहला मेरे पास 3:13 तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास 5:47 फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास 4:42 नेक्स्ट क्वेश्चन है 7:35 देखो 3:13 5:30 में से गिवन टाइम माइनस करता हूं 5:30 में से गिवन टाइम, गिवन टाइम कितना है 3:13 माइनस करना है माइनस कर लीजिए 5 में से 3 माइनस करे 2 2:17। अब एक बात और कहोगे सर हमने तो बुक में यह फॉर्मूला पढ़ा है 18:30 में से गिवन टाइम माइनस करवाता है, कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला यूज कर रखा है 18:30 में से गिवन टाइम। देखो 18:30 में से गिवन टाइम माइनस करता हूं 18:30 में से गिवन टाइम यानी 3:13 माइनस करता हूं तो ये तो ठीक है 17 18 में से 13 माइनस 3 माइनस करें 15 आता है और 15 का मतलब 3:17 भैया ये आंसर गलत है, आंसर आएगा 2:17 क्योंकि बुक में जहां पे ये फॉर्मूला लिख रखा है ना वहां पे एक कंसेप्ट ये भी यूज कर रखा होगा जो आंसर आता है उसमें से आपको -1 करना है, जहां पे बुक में जिस भी बुक में ये फॉर्मूला लिख रखा है वहां पे एक चीज और लिख रखी होगी जो भी आंसर आता है उसमें से आपको जो भी आंसर आता है -1 करना है, आंसर आया हमारा 317 -1 करके सही आंसर आएगा। तो यार ये फॉर्मूला क्यों याद करना, माइनस करना भूल जाए तो क्या दिक्कत होगी,
दिक्कत भी हो सकती है। तो मैं मेन याद रखूंगा 5:30 में से गिवन टाइम या 17:19 में से गिवन टाइम, इसका निकालना है 5:47। तो देखो ये मिनट बड़ी है, 30 मिनट से बड़ी है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा 17:19। जहां पे मिनट बड़ी हो वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा 17:19 में से गिवन टाइम, गिवन टाइम माइनस करता हूं 5:47। देखो कितना बचेगा, अगर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें उस वाले फॉर्मूले से, 18:30 गिवन टाइम 5:47 कितना बचा, 18:30 गए। देखो यहां पे क्या करना पड़ेगा, कैरी लेनी पड़ेगी, इसको 90 बनाना पड़ेगा माइनस करने के लिए, भैया इसको 17 बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, 17 में से 5 गए तो 12 बजकर, और यहां पर 90 में से 47 गए तो 43। अब ये एग्जैक्ट आंसर दे रहा है, क्यों आंसर दे रहा है एग्जैक्ट आंसर, मैंने भाई बड़ी मिनट के लिए फॉर्मूला यूज करा है 17:19, यानी 18:30 वाला फॉर्मूला यूज करा है मैंने 17:19। तो आपको अंडरस्टैंडिंग पता चल रही होगी कहां कंफ्यूजन है, जहां पर मिनट 30 मिनट से बड़ी आ जाए, जहां पर मिनट 30 मिनट से बड़ी आ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। इसको तो आप एक तरह से मैं कहता हूं भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है इस कंसेप्ट को, तो ठीक है, जहां पर मिनट 30 मिनट से बड़ी आती है वहां पर यह फॉर्मूला यूज कीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला नीचे वाला ही है सेम, और जहां पे 30 मिनट से कम है वहां पे ये फॉर्मूला यूज कीजिए 5:30। तो आप दो चीज याद कर लीजिए, 5:30 और 17:19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4:42, 17:19 में से 4:42 माइनस करूंगा तो देखो आंसर आएगा कितना, 13:48 यानी कि 1:48। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7:35, 17:19 में से गिवन टाइम 7:35 माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 10:55। ठीक है, तो आई थिंक सभी के समझ में आया होगा मिरर इमेज, वाटर इमेज, मिरर इमेज के लिए मैंने बताया था 11:60 में से गिवन टाइम माइनस करना है, और वाटर इमेज के लिए मैंने बताया आपको 11:60 में से गिवन टाइम माइनस करना है तो मिरर इमेज आएगी, या 11:60 में से मिरर इमेज माइनस करनी है गिवन टाइम आएगा। वाटर इमेज के लिए मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं, 5:30 में से गिवन टाइम माइनस कर दो, या अगर मिनट 30 से बड़ी आ जाए तो 17:19 में से माइनस कर दो गिवन टाइम, वाटर इमेज आ जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपको यह फॉर्मूला यूज करना है 18:30 में से गिवन टाइम माइनस करना है वाटर इमेज के लिए, अगर यह फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं आप, मैं प्रीफर नहीं करता, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए जब मिनट 30 से छोटी होगी तो आपको 1 माइनस करना पड़ेगा जो आंसर देगा ये फॉर्मूला। भाई ऐसी मुसीबत याद मत करो, डायरेक्ट इन फॉर्मूला को याद करो, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आपको एक चीज मैं रिमेंबर करवा दूं, जो लास्ट टाइप में मैंने क्वेश्चन करवाए थे, एक मिनट की बात है, उसमें मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, उसको इंप्रूव कर लेते हमारी गलती को। मैंने कहा था कोई घड़ी है, मैंने कहा था कोई घड़ी 2 मिनट स्लो है किसी दिन, ये 2 घड़ी है उनको संडे को 11 बजे सुबह सेट किया गया 11 AM पर। मैंने कंसेप्ट कहा था कोई घड़ी है 2 मिनट स्लो है 24 आवर्स में, और दूसरी घड़ी 2 मिनट फास्ट है 24 आवर में। मैंने एक चीज कही थी, दोनों घड़ी शायद गलती से बोल दिया था, दोनों घड़ी सही टाइम कब दिखाएंगी उसके लिए सॉरी, ये दोनों घड़ी अभी एक साथ सही टाइम नहीं दिखाएंगी, दोनों घड़ी दोबारा कब मिलेंगी, कंसेप्ट ये है बोथ क्लॉक व्हेन विल मीट ईच अदर, बोथ क्लॉक मीट ईच अदर, सही टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें, दोनों घड़ी एक साथ मिलेंगी कब। मैंने लास्ट वीडियो में गलती से कई जगह बोल रखा है 2-3 जगह कि दोनों घड़ी सही टाइम कब दिखाएंगी, सही टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं, दोनों घड़ी मिलेंगी कब,
कंसेप्ट आपको याद है, मैंने कहा था अगर ये टाइम और ये टाइम सेम हो, दोनों टाइम सेम हो, तो भाई इन दोनों मिनट को ऐड कर लो, क्योंकि 4 मिनट का फर्क है, 4 मिनट का फर्क है कितनी देर में, 24 आवर में। इस 4 मिनट को आप 12 आवर में चेंज कर दीजिए, मिनट वाले को 12 आवर में चेंज कर दीजिए। देखो पहले तो 1 मिनट में चेंज करूंगा, 4 को इधर लाऊंगा, तो 1 मिनट हो गया 6 आवर। इसको अगर आवर में चेंज करते हैं, 1 आवर में चेंज करते हैं, तो यहां पे 60 से मल्टीप्लाई, 12 आवर में चेंज करता हूं तो 12 से मल्टीप्लाई, 6 इंटू 60 इंटू 12 आवर आंसर होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों टाइम अलग अलग हो, तो मैंने कहा था इसका अलग निकाल लीजिए, इसका अलग निकाल लीजिए, दोनों सेम थे तब तो एक ही क्वेश्चन के अंदर हो गया, दोनों अलग अलग हैं तो आप इसका अलग निकाल लीजिए, इसका अलग निकाल लीजिए, दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। गुड बाय, सब्सक्राइब करना भूले हमारे चैनल को। क्लोज चैप्टर की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर आप पोस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर 8307861392। अपनी प्रॉब्लम पोस्ट करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। गुड बाय।